come in. Please sit down. You are formerly sergeant under Indian Air Force. When retired? That's the day you continue to prepare. आप तो अपने 2% कोटा है ना इसका? नहीं सर, इस बार जो है 2021 तक सर 5% ओनली फॉर ग्रुप सी, और 2022 से सर ग्रुप बी पोस्ट के लिए भी हमें 5% रिजर्वेशन मिलेगा। तो इसमें 5% का लाभ मिलेगा ये ग्रुप सी जी सर? इस बार के हमें नायब तहसीलदार के लिए रिजर्वेशन मिलेगा और किसी पोस्ट में मिलेगा। यू बिलोंग टू? सर मैं मिर्जापुर से हूं। वेयर? चुनार। गुड। चुनार में कहां? प्रॉपर चुनार सर? प्रॉपर चुनार। You know, what about Chunar Fort? Sir, Chunar में किला है सर, जो ऐसा कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य जो जेल के राजा थे वो अपने बड़े भाई पृथ्वीनाथ के यादगार में बनाया था, और लेकिन जो उसका निर्माण हुआ है वो 1029 के आसपास हुआ है। 1029 सर? 1029 का राजा उस समय रिपब्लिक के बाद जितने राजा को महल जो ऐसे करते थे उन्होंने उसका निर्माण। आप विजिट किया है इस? तो एक साइड से रोड है ऊपर चढ़ के, जब नीचे साइड नीचे सीढ़ी से उतरिए गंगा साइड में, तो नीचे जस्ट आने पर एक पत्थर का शिलालेख लगा हुआ है, उसमें कुछ लिखा है हाईवे राइट, इसमें 255 लिखा हुआ है सर। जो ये है 56 एडी से ही वो निर्माण हुआ है, राजा विक्रमादित्य 56 एडी में उसका निर्माण हुआ है, लेकिन पूरा किला जो है जो बताया जाता है कि वो कई क्रम में बना है। 1029 में राजा भरत फिर उसके बाद हुमायूं ने भी, हुमायूं ने अकबर ने, ये तो बहुत लेटेस्ट वाले आ गए। शेरशाह सूरी का सबसे बड़ा योगदान शेरशाह सूरी था वहाँ। और लेकिन सर जो रॉयल हेस्टिंग जब आए 1772 में, तो उन्होंने उसको पूरी तरीके से किले को पूरी तरीके से उन्होंने क्लोज किया और एक जेल और आर्मी का उन्होंने डेवलपमेंट किया। और पौराणिक कथा से क्या रिलेटेड है सर? एक्चुअली उसमें भी कहा जाता है कि चंद्रकांता संतति उसमें ठीक है, और ये तो चंद्रकांता हो गई, और पौराणिक महत्व का क्या है? पौराणिक महत्व का सर पैर का माना जाता है कि जो वामन देव थे वो जो पैर जो रखा है वो चरणादि का नाम ही रखा गया सर, वो जो किया वो चरण किया था। हाँ है ना, इसलिए वामन देव का जो पैर वहाँ पड़ा था इसलिए वो पौराणिक। और वही एक पहाड़ है जो आधा तो गंगा जी में है। गंगा जी कहा जाए कि चुनार अगर बचा हुआ है या ठीक से बसा हुआ है तो उसका हाथी। हाँ, अनसीडित कब बह जाती है? और क्या फेमस है चुनार का? सर चुनार की पॉटरी फेमस है, पॉटरी है, उसका निर्माण वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है, तो काफी फेमस। और लेटेस्ट में क्या है सर? लेटेस्ट में सर कालीन का भी वहाँ पे व्यापार होता है, एक कोई उद्योग भी और उद्योग है ठीक, लेकिन सीमेंट फैक्ट्री तो लग गई, वो पत्थर कहाँ से आता है? जहाँ तक मैं सुना हूँ, लेकिन अभी सर जो सोनभद्र है वहाँ से आता है। उधर आपने सोनभद्र विजिट किया है क्या? सर सोनभद्र एक वहाँ फासिल्स है, और उसमें वहाँ जो बोर्ड लगा हुआ है उसमें लिखा हुआ 150 करोड़ पुराना है, और ये वर्ल्ड का सबसे पूरा ओल्डेस्ट फासिल्स है, लेकिन प्रूव्ड नहीं हुआ, इसलिए अमेरिका से अभी वो अमेरिका में जो फासिल्स सबसे अभी वहीं चल रहा है, नहीं देख पाया। चुनार जो आता है वो कहाँ कौन डिस्ट्रिक्ट में आता है? मिर्जापुर में ना, तो अभी तो आपके खनन की भी फैक्ट है ना काफी? सर है सर, सर माइनिंग एक्चुअली पहले तो पत्थर का ज्यादा था, पूरा मिर्जापुर क्षेत्र पूरा पत्थरों से, वहाँ पे खनन कार्य काफी हुआ था, लेकिन जब से मायावती सरकार के पास से वो उसके अवैध खनन घोषित कर उसको रोक दिया। और चुनार के पत्थर का कोई महत्वपूर्ण अभिलेख बताए कहाँ है? सर एक हरौरा में माना जाता, ये सांची का स्तूप सुना है? सांची का स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। हाँ ठीक है, किसने बनवाया? सर ये अशोक बनवाया। वहाँ पर एक पत्थर शिला स्तंभ है, वो चुनार के पत्थरों से पत्थर का है वो, एक वहाँ जब देखेंगे तो इतनी ऊंचाई में सांची का स्तूप है। ये कहाँ पे है? सर ये तो मध्य प्रदेश में ही है, हरौरा में ही अशोक के स्तंभ। मध्य प्रदेश में कहाँ पे, जिले में? जैसे ज्ञानवीर है जी सर, उसके बारे में क्या आपका राय है?
सर अग्निपथ योजना सर अग्निपथ है सर अग्निवीर ही है वो जो उसमें जो युवा चयनित होंगे उन्हें अग्निवीर ही कहा जाएगा अग्निपथ क्या है सर अग्निपथ एक योजना है जो योजना है बट जो जवान आएगा उनको अग्निवीर कहा जाएगा तो क्या सर ये अग्निपथ योजना सर भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है जो युवाओं को सेना में अवसर देता है और 17.5 से 21 वर्ष के जो युवा हैं उन्हें 4 वर्ष के लिए चयनित किया जाएगा 21-23 होकर दिया था सर 17.5 से 21 अभी 23 हो गया सर अगर हम इस चीज को ऐसे लें कि 100 लोग अगर गए सेना में गए और उसमें से 25 लोग वहां रह गए जो वहां की सेना की आवश्यकता को पूरा किया और देश की सेवा कर रहे हैं 75 लोग सर जो बाहर आए तो एक सर युवा जब यहां पे आएगा अगर सर मैं बात करूं छोटी सी कि हमारे यहां जो है रोड एक्सीडेंट हो रहा है सर पूरे इंडिया में 1.5 लाख लोग प्रति साल मर रहे हैं और अगर हम यूपी की बात करें तो कम से कम 15,000 लोग प्रति वर्ष यहां मर रहे हैं जो उनका उम्र है 15 से 44 वर्ष तो अगर सर जो लोग बाहर आ रहे हैं वो जो युवा बाहर आएंगे निश्चित रूप से वो एक प्रकार से डिसिप्लिन रहेंगे सेना का माहौल ऐसा है कि वो अपने आप में अनुशासित कर देता है तो बाहर आएंगे सर और मैं बताना चाहूंगा सर जो 1.5 लाख लोग मरते हैं उसमें 64% जो रेशियो रहता है वो ये रहता है कि रोड डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं रॉन्ग साइड से चलते हैं रूल्स ऑफ द रोड का बिल्कुल वायलेशन करते हैं तो सर अगर वो 75 जो युवा बाहर आएंगे तो निश्चित रूप से वो अनुशासित होंगे और यहाँ पे वो एक अच्छा माहौल तैयार करेंगे और हम देखा जाए तो भविष्य में हम युवाओं को बचा भी सकेंगे उनका भी अब जा सर के लिए बहुत सारे 80 विभाग सर ये कंपनीज भी आएगी कॉर्पोरेट सेक्टर्स भी रेडी है जी सर अच्छे के और गवर्नमेंट के और स्कीम्स में उनकी प्रायोरिटी देने को सरकार दे रही है ना जी सर बिल्कुल सर तो मोस्ट ऑफ देम मे बी एम्प्लॉयड एंड रेस्ट मे बी स्टार्ट देयर ओन काइंड ऑफ बिजनेस सर अगर हम वैसे करें कि अगर 24-25 साल में युवा आ रहा है तो आज भी अगर सिविल सर्विसेज या किसी भी तैयारी में है तो लगभग ये उम्र हो जाता है तो अगर वहाँ से लोग आ रहे हैं 11,71,000 के आसपास की राशि उनके पास रहेगी प्लस उनका जो बचत रहेगा तो यहाँ के वो अगर पढ़ना चाहे तो आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हैं अदरवाइज कॉरपोरेट सेक्टर और कई लोगों ने ऐसा कर रखा है कि उन्हें हाथों हाथ लेगा सर जो आपने ये सब कोर्सेज किए थे बीए में ये सब क्या कॉरेस्पॉन्डेंस सारा कॉरेस्पॉन्डेंस विद इन कंप्लायंस विद देयर कमांड हेडक्वार्टर्स सर सर सारा का इंफॉर्मेशन ये डॉक्यूमेंटेड है ना सर पूरा क्योंकि ये फिर नहीं तो फिर नहीं सर ये पूरा डॉक्यूमेंट दिक्कत नहीं होनी चाहिए नहीं नहीं सर मेरा पूरा डॉक्यूमेंट क्लियर ना जैसे हमारे यहां एमएस करता है आपका जी सर बिल्कुल और कहां से आता है उसका सर ये फारो से एयरपोर्ट रिकॉर्ड ऑफिस से सारा आता है सर आ जाता है यू हैव डन दैट सर मेन चीज वो है थैंक यू ओके okay.